अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके DLET BTC प्रथम सेमेस्टर संस्कृत। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर 2। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर 1 ना देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मॉडल पेपर 1 देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमें पेपर का डर खत्म करना है। तो दोस्तों पेपर का डर आप तभी खत्म कर सकते हैं जब आप पेपर से पहले कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो पेपर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और संस्कृत में दोस्तों 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं। याद रखना है कि संस्कृत में 25 में से 12 नंबर पासिंग मार्क है। अगर आप 11 नंबर भी लाएंगे तो आपको फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको 25 में 12 नंबर कम से कम। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपने आपको खुद भी मार्किंग करना है कि आप 12 नंबर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पेपर में क्या मिलता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके पेपर में दोस्तों कितने अंकों के आते हैं, 5 अंकों के, ठीक है। अगर दोस्तों आपने पहले 5 में से 5 प्रश्न सही कर लिए तो समझ लीजिए आप 99% पेपर में पास हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं, द दुर्राह को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। अगर आपको इसका अर्थ पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मेढक। तो पहला विकल्प नंबर 7 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैल। क्या आंसर होगा हमारा, बैल। अगला प्रश्न दोस्तों देखा जाए, शतका को हिंदी में कहते हैं ये बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा खरगोश। क्या आंसर होगा हमारा, खरगोश। दुई चमिका का अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, साइकिल। साइकिल तो काफी बच्चे चलाते होंगे, तो दुई चमिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं। इसका आंसर होगा आपका 3। तो दोस्तों पहले 5 प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं और आपको जितने आंसर आते थे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखा जाए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके पेपर में कितने अंकों के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कैसा बन सकता है कि निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना हो सकता है। जैसे दोस्तों जामुन हो गया, आम हो गया, कद्दू हो गया और करेला हो गया। तो दोस्तों जामुन को हम संस्कृत में बोलते हैं जम्बू, आम को बोलते हैं आम्र, कद्दू बोलते हैं दोस्तों कुशमांडा या तुम्बी, और करेला बोलते हैं दोस्तों कटिलकह, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कैसे बन सकता है कि आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत का नाम लिखना दोस्तों, ठीक है। संस्कृत में क्रमशः नाम क्या होगा, पेड़ को दोस्तों बोलते हैं वृक्ष, घर को बोलते हैं ग्रहमा, बगीचा को उद्याना तथा दोस्तों पौधे को बोलते हैं पादप। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपके बन सकता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपके किस चीज की, कि पशु पक्षियों, कौआ, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में हमें नाम लिखना है। तो दोस्तों संस्कृत में क्रमशः नाम होगा, कौआ को काकह, भौरा को भ्रमरा, पक्षी खगह तथा विकह, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आसपास की वस्तुएं जैसे फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को हमें संस्कृत में लिखना है। तो दोस्तों संस्कृत नाम क्रमशः हो जाएगा फूल का पुष्पम, चौराहा का चतुष्पद, अनार का दोस्तों दाड़िमम, और नींबू का दोस्तों नींबुकम, और फिर कंदुका आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोजन संबंधी वस्तुएं, चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में हमें लिखना है। तो दोस्तों संस्कृत में नाम क्रमशः होगा चड़क, नवनीतम, लवण और करकट्टिका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बकुला, भेड़िया के नाम हमें संस्कृत में लिखना है। तो दोस्तों संस्कृत में क्रमशः नाम हो जाएगा आपका चातक, फिर दोस्तों मेसा, फिर बलाका, फिर उसके बाद दोस्तों व्रका, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत में नाम हो गया। तो आपके दोस्तों ये 6 प्रश्न यहाँ से कवर हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने पहले 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, 6 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के कर लिए, तो मतलब आपके 11 नंबर यहाँ से तय हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की जो नंबर आते हैं दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। दोस्तों हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम बोलते हैं संज्ञा। जैसे दोस्तों प्राणियों के नाम में आपके नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी जी, कुत्ता, भैंस, टिड्डा, चिड़िया। वस्तुओं के नाम में दोस्तों कुर्सी, पलंग, स्टूल, टीवी, मोबाइल आदि। स्थानों के नाम में दोस्तों आपके आगरा, मथुरा, भोपाल, इलाहाबाद आदि। भावों के नाम में दोस्तों जैसे प्रेम, घृणा, लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा, मिठास,
क्रोध, शांति, ईर्ष्या आदि। उसके बाद दोस्तों हमारी बारी आती है संज्ञा के भेद क्या होते हैं, ठीक है ना, ये बात अभी देखते हैं दोस्तों। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव को बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सरदार पटेल, पहाड़, जेल, ये हो गया, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे दोस्तों पुरुष, गेंद, घर आदि। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा आदि। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद बतलाते हैं, जैसे दोस्तों आपका समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसको भी चलिए दोस्तों परिभाषा देख लेते हैं कि आपकी समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है दोस्तों। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय आदि, ठीक है, दल भी हो गया आपका। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि, ठीक है दोस्तों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 नंबर पेपर में आपको मिलेगा, लेकिन आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, कुछ अपने हिसाब से सॉर्ट करके लिखिएगा। तो हमने तो दोस्तों आपको पूरे अच्छे से बताया, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में बन सकता है कि संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सभी के कम से कम 3 उदाहरण आपको देना है। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लिंग की परिभाषा दीजिए, संस्कृत में लिंगों के भेद को उदाहरण सहित हमें लिखना है। तो दोस्तों लिंग क्या होता है इसको आइए देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह, ठीक है। अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिसे किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक अथवा नपुंसकवाचक होना सिद्ध हो, जैसे राम, रमा, मित्र, सखा आदि। उसके बाद दोस्तों लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, दिन। उसके बाद दोस्तों दूसरे में आपका सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंघनी, बकरी, गधी, लंका। देखिए दोस्तों पहले वर्ग में लिखे शब्द, पहला वर्ग दोस्तों आपको क्या था, अभी हमने जो देखा ये लड़का, राजा, घोड़ा वाला पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरे वर्ग में लिखे शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं और हम इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों, ये वाला जो दूसरा वाला वर्ग था हमारा इसे। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है, सड़क, रस्सी, लड़की, ठीक है, आदि स्त्रीलिंग है, ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है इसी में टॉपिक है, लिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था ना लिंग के प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हम कैसे करेंगे कि हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंगों में काम चल जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। संस्कृत में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से होता है, इसलिए संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है, जैसे हिंदी में अग्नि और महिमा शब्द स्त्रीलिंग है परंतु यह शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही मित्र शब्द पुल्लिंग है तथा सखा शब्द नपुंसक लिंग का अर्थ देता है, अतः इन लिंगों शब्दों की पहचान अभ्यास से ही हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभ्यास करेंगे, पढ़ें, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे संस्कृत में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। केवल किसी नियम के आधार पर ही नहीं, अभ्यास के लिए, लिंग ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ नियम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देखते हैं पुल्लिंग में क्या क्या आ जाएगा। जिस शब्द से नर पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों के पहचाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। धन प्रत्ययांत शब्द, अच प्रत्ययांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे नरह, पाका, विजय, शोका, विहारा, विनय, त्यागा, भावा आदि। परंतु भय, सुख, हर्ष आदि नपुंसक लिंग होते हैं, इसको भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अन से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दोस्तों राजन हो गया, आत्मन हो गया, मात्रन हो गया, पितरन, पठन आदि। समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, सिंधु, सागर, अवधि आदि। इमनिच प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दोस्तों महिमा, लगिमा आदि। देवता स्त्रीलिंग शब्द को छोड़कर देववाचक शब्द,
असुरवाची शब्द राक्षस, नपुंसक को शब्द को छोड़कर, तथा सुर और असुरों के नाम तथा अनुचर कहे जाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे दोस्तों देवा, विष्णु, शिवा, दानवा, असुरा, रामा, रावण, अमर, दैत्य, बलि आदि। आहन और दिन नपुंसक लिंग को छोड़कर समयवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिवसा, काला, पक्ष, मास, वर्षा, समय। इकरार शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दोस्तों कवि, मुनि, ऋषि, पति, ये सब। पर्वतवाची शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे दोस्तों आपको गिरी, शैल, ये सब। यज्ञवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। मासोवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, तत्सम, अकरांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। ये सब आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों स्त्रीलिंग में देखते हैं कि जिस शब्द से, देखिए कि और दोस्तों ध्यान रखना है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे आपके सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि। लेकिन आपका दोस्तों पृथ्वी क्या है, वो स्त्रीलिंग है, याद रखना है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। जिस शब्द से स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दोस्तों लता, मती, यमुना, गौरी, अजा, कनिष्ठा आदि, ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए नियम आपके इस प्रकार है। इकरांत शब्द वाले स्त्रीलिंग होते हैं, तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दोस्तों प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है, समाहार, द्विगु समास, युक्त, अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको हम अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकें जो पेपर में आपके आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, झीलों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं प्राय, भाषाओं के नाम प्राय आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तत्सम इकरांत संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब दोस्तों बात आती है नपुंसक लिंग, तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे शब्द जो ना तो नर और ना ही माता का बोध कराते हैं उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे दोस्तों जलम, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम, ये सब, ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि वचन किसे कहते हैं और इसके प्रकारों को उदाहरण से तुम्हें स्पष्ट करना है। तो वचन के लिए क्या आता है, देखिए जिस शब्द शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं, जैसे दोस्तों बालक पठती या बालक पठंती। यहाँ दोस्तों बालक शब्द से एक बालक का बोध हो रहा है तथा बालक से एक से अधिक का बोध होता है। जी हाँ दोस्तों आप यहीं पर देखिए, इस बालक का मतलब एक बालक है और यहाँ बालक का मतलब एक से अधिक बालक का बोध हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके वचन की भेद। तो वचन में संस्कृत में आपके वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो दोस्तों एक वचन में क्या लिख सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे छात्रा, बालक, थैला, ये सब। द्विवचन में जिस शब्द में दो वस्तुओं का बोध होता है, देखिए द्विवचन में कम से कम ने और अधिक से अधिक सिर्फ दो लोगों की ही बात होगी, ठीक है ना, तभी वहां पर दोस्तों आपका द्विवचन होगा, उसे हम द्विवचन कहते हैं, जैसे छात्रों, बालकों, फले, आवाम, युवा। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे दोस्तों छात्रा, बालका, वयम, ये सब। अब वचनों के दोस्तों नियम क्या है हमारे, उसको देखते हैं। संस्कृत में वचनों के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार है। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे मरटशील भवति, बालः चपला भवति एव, द्वयम् द्वितीयम्, त्रयम् युग्मम् युगलम् आदि शब्द एक वचन में ही आते हैं। इसी तरह गण, समूह, वर्ग, समुदाय, चतुष्टय आदि, समाहार, द्विगु व द्वंद्व समास के शब्द भी, मुत्री, मुनि, त्रयम्, कन्या, युगलम् आदि, ठीक है। संस्कृत में नेत्र, कर्ण, हस्त, पादक वाच, ठीक है ना, पादवाचक शब्द प्राय द्विवचन में आते हैं, जैसे नेत्राभ्याम पश्यामि, पादाभ्याम गच्छति, ये सब दोस्तों आपके, ठीक है। ये सब दोस्तों चीज आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को हम रोक रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं डीपली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि कारक क्या होता है, संस्कृत भाषा में इसकी प्रयोग विधि लिखनी है। तो दोस्तों कारक काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। छात्र ने पत्र लिखा, इस वाक्य में हम यह देखते हैं कि छात्र के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ छात्र ने चिन्ह का प्रयोग किया, जी हाँ दोस्तों छात्र ने, तो ये दोस्तों जो आप नहीं दिख रहे, इस चिन्ह का यहाँ प्रयोग हो रहा है, ठीक है, का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि छात्र एक वचन है, ने चिन्ह कर्ता कारक तथा प्रथमा विभक्ति का है। छात्र शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में छात्र बनता है, अतः यहाँ छात्र की संस्कृत छात्रा लिखी जाएगी। छात्र ने पत्र लिखा है, पत्र लेखन का कार्य करने वाला छात्र है, अतः छात्र कर्ता कारक है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार
छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में पत्र के साथ को, इसमें दोस्तों कौन सा चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? छात्र पत्र को ना, ठीक है, को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। को चिन्ह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का है और पत्र नपुंसक लिंग है, किंतु पत्र के कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक से रूप बनते हैं, वह रूप पत्रम, अतः पत्रम कर्म कारक है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं सबका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग दोस्तों, और इसको अच्छे से डीपली पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपका बन सकता है पेपर में, जैसे 2019 में आ भी चुका है, कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो इसका संस्कृत में होगा अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। तुम कहाँ रहते हो? त्वयम कुत्र निवससि? श्याम पैर से लंगड़ा है, तो दोस्तों इसको बोलेंगे श्यामा पादेन खच, ठीक है, पेड़ से फल गिरते हैं, तो इसका आंसर होगा वृक्षात फलानि पतंती। तो दोस्तों आज हमने संस्कृत में 25 नंबर का प्रश्न पत्र आपके सामने सॉल्व किया। तो दोस्तों अगर आपने 25 में से 25 नंबर कर लिए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके नंबर 25 में से 12 से भी कम आ रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों आपको तैयारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 12 नंबर आपके पासिंग मार्क होता है। अगर आपके 12 नंबर भी नहीं बनते तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आप वीडियोस को दोस्तों अधिक से अधिक देखिए, और इस वीडियो को समाप्त होने के बाद आप मॉडल पेपर 1 देख सकते हैं, और संस्कृत के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, उस लिंक से आप लोग डायरेक्ट देखिए और पढ़ाई करते रहिए। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं।